जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स वर्सेस ग्रेनाड एंड डाइवर्स T10 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच चरनोस वाले ग्राउंड किंगस्टाउन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 9 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 24 मई को ग्रेनाड एंड डाइवर्स वर्सेस फोर्ट चार्लोस टाइगर्स के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना कुल मिलाकर 20 T10 के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो उस मैचेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस आपको ध्यान देना है, जो टूर्नामेंट है ना, ये विंसी प्रीमियर लीग का इसका 11th डे है। तो यहाँ पे मैंने लाइव मैचेस के अंदर क्या ऑब्जर्व करा था, आपको ध्यान देना है। जो पिच है ना दोस्तों अर्नोस वाले ग्राउंड की, ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी ड्राई पिच है। इसका मतलब क्या हुआ, पिच दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी धीमी है, बॉल बैट के ऊपर रुक के आती है, यहाँ पे बल्लेबाजी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर बैट्समैन ना बॉल को टाइम करते हैं तो यहाँ पे रन्स बनते हैं, वरना दोस्तों यहाँ पे बॉल ना बैट के ऊपर रुक के आने वाली है तो डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी। और स्पिनर्स को यहाँ पर टर्न देखने को मिला था प्रीवियस गेम के अंदर भी, तो यहाँ पे ना स्पिनर्स को बॉल पड़ने के बाद घूमता है, कटर बॉल्स इफेक्टिव रह सकते हैं पिच के ऊपर दोस्तों क्रैक्स थे। अब देखो जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है 42 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 73 गेम्स, एवरेज स्कोर 60-80 आपको बनता हुआ दिखेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना प्रीफर करेगी, क्योंकि दूसरी पारी के अंदर ना पिच और स्लो जाती है और चेस करते टाइम पे प्रेशर भी बनता है दोस्तों प्लेयर्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पर लास्ट 73 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ था, पेसर्स ने 294 विकेट्स निकाले हैं, वहीं स्पिनर्स ने ना यहाँ पर 296 विकेट्स निकाले। जो लास्ट मैच हुआ था कल रात को 11 बजे ग्रेनाड एंड डाइवर्स वर्सेस फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स, उस मैच के अंदर 2 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाले थे और 4 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। ठीक है, सनी वेदर यहाँ पे रहने वाला है। वीडियो को दोस्तों आप लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर वही कहूँगा, फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन आपको नीचे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, टॉस के बाद कोई अपडेट्स आएगी मिल जाएगी। लाइनअप्स की बात करते हैं, उससे पहले भाई कहूँगा कि यहाँ पर ना आपको क्या ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग के 4 ओवर रहेंगे ना उसके अंदर आपको पावर प्ले देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ओवर T10 के अंदर पावर प्ले के टूर्नामेंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स है ना इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 लेफ्टी बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे आपको ग्रेनाड एंड डाइवर्स की तरफ से एक ऑफ स्पिनर लेके चलना है। तो देखो यहाँ से रोमिनो फिरे लेफ्टी बैट्समैन है, डैरन ग्रिव्स लेफ्टी बैट्समैन और ये ऑफ स्पिनर है अपने, फिर आएंगे ऐसे शेमन हॉपर लेफ्टी बैट्समैन ऑफ स्पिनर, तो आप समझ सकते हो 3 लेफ्टी बैट्समैन है यहाँ पर। फिर आएंगे यहाँ से डैन ब्राउनली राइटी बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट, फिर आएंगे यहाँ से लिंडन जेम्स राइटी बैट्समैन है, इस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, कीपिंग भी यही करते हैं। फिर आएंगे यहाँ से रियान विलियम्स राइटी बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट, एलेक्स सैमुअल राइटी बैट्समैन है, ड्रोमी टोनी राइट मीडियम फास्ट, एस्टल रॉन विलियम्स यहाँ पे एक लेग स्पिनर है, लुक विल्सन एक ऑफ स्पिनर है। ठीक है, तो प्रमुख गेंदबाज देखो कौन रहेगा, डैरन ग्रिव्स दो डालेंगे, शेमॉन होपर दो डालेंगे, रियान विलियम्स दो डालेंगे, फिर यहाँ से सलरॉन विलियम्स डाल देते हैं, लुक विल्सन डाल देते हैं, और कभी कभी ना डैन ब्राउनली भी एक और डाल देते हैं। अब चलते हैं ग्रेनाड एंड डाइवर्स की तरफ से, तो आपको ध्यान देना है शेम ब्राउन यहाँ पे ओपन करते हैं कादिर नेट के साथ, दोनों बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं, 80 ओवर 1 डाउन आते हैं इन पे दोस्तों, गिव अवे हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, और आपको कमेंट करके बताना है कि AH 80 ओवर कितने रन्स बनाएंगे। ये लेफ्टी बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, केविन इब्राहिम राइटी बैट्समैन ऑफ स्पिनर है, और ऑफ स्पिनर है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी तरह रिची रिचर्ड्स भी एक ऑफ स्पिनर है, तो ये दोनों मेरे हिसाब से थोड़े से महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके हो सकते हैं ग्रैंड लीग्स के लिए। क्लोरन हैरी, रेमोनियो ग्रांट, डेविन बर्नम राइटम फास्ट मीडियम, रजानी ब्राउनी राइटम फास्ट मीडियम इस टीम के प्रमुख गेंदबाज है, ब्रैक्सी ब्राउनी राइटम फास्ट मीडियम प्रमुख गेंदबाज होंगे, कंसल डलजेल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, एक ओवर डालते हैं। आपको पता है डेविन बर्नम और कंसल डलजेल ना एक एक ओवर डालते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लास्ट मैचेस में क्या हुआ था, तो रेमोनियो फिरे ने देख सकते हो पहले मैच में 46 करा, फिर 0 करा, फिर 41 करा, फिर 39 करा, ये दोनों मैचेस में रन आउट हुए थे। जब इन्होंने बड़ी पारी खेली थी ना 41 की और 39 के दो मैचेस के अंदर, दोनों में रन आउट हुए। फिर उसके बाद देखो उसने क्या करा, 1 रन करा, 4 रन करा, डैरन ग्रिव्स आएंगे यहाँ से, इनका देखो आप परफॉर्मेंस,
इस साल इतना खास इनके लिए ये VPL गया नहीं है, विंसी प्रीमियर लीग। पहले मैच में 0 रन 2 विकेट है, 27 रन 1 विकेट है, 16 रन 0 विकेट है, 5 रन 0 विकेट है, 10 रन 1 विकेट है और लास्ट मैच के अंदर 10 रन था 0 विकेट था। तो बॉलिंग से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इवन बैट से इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वही शेमन ओपर यार क्या खिलाड़ी है, बॉल को टाइम कर रहा है, बॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने लास्ट मैच देखा था कितने छक्के मारे थे भाई ने यार, 5-6 छक्के तो ऐसे मार दिए थे। बस क्या करता है आपको पता है, बॉल को टाइम करता है, लॉन्ग बैकलिफ्ट का यूज़ करता है। आपने युवराज सिंह को देखा रहेगा, थोड़ा बहुत पता रहेगा ना आपको, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा यूवी का बैकलिफ्ट कैसे आता है। थोड़ा ऊपर से आता है, ठीक है, एकदम ऊपर की तरफ से आता है और जब बॉल बैट के साथ कनेक्ट होती है ना तो लंबी ट्रैवल करती है। तो मैंने दोस्तों जो ऑब्जर्वेशंस खुद ऑब्जर्व करी है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका बैकलिफ्ट थोड़ा सा लंबा सा है, शॉट्स अच्छे मारता है। लास्ट मैच के अंदर देखो 59 की नॉक थी, उससे पहले 63 की नॉक थी, बैक टू बैक दो 50s करने वाले अपन कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है यार, ठीक है यार, दो विकेट निकाले थे इसने, उससे पहले एक विकेट निकाला, दो डालते हैं। डैन ब्राउनली ये भी कमाल बैट्समैन है, इनको अपन कह सकते हैं हार्दिक पांड्या और एंड्रसल का कॉम्बो। ये देखो एक विकेट है, 31 रन 0 विकेट है, 6 रन 27 रन 1 विकेट है, 2 रन 0 विकेट है लास्ट मैच के अंदर, एक ओवर में 7 रन दिया था। लिंडन जेम्स आएंगे यहाँ से, 0 रन है, 1 रन है, 14 रन है, नॉट आउट 23 रन, नॉट आउट 5 रन है, लास्ट मैच में 12 करा था 13 बॉल के अंदर। जड़े मैथ्यूज अभी तक उतना खास करा नहीं, रियान विलियम्स इनके पास दोस्तों, टप्पा अच्छा है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं लाइन लेंथ अच्छी है। पहले मैच में 1 विकेट है, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट था। ये कभी कभी बॉलिंग कराते हैं, इससे पहले वाले गेम में इसने बॉलिंग नहीं कराई थी अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं क्यों, और लास्ट मैच में बॉलिंग कराई अपने जल्दी इसने दिखे ही थे। फिर आएंगे यहाँ से सेलरॉन विलियम्स, ये दमखम रखते हैं। पहले मैच में 2, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2 विकेट है, फिर 0 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर एक ओवर के अंदर 15 रन दिया था, तो बॉलिंग तो एक ओवर तो डालेगा। ल्यूक विल्सन आप देख सकते हो, 2 विकेट है, 1 विकेट है, 3 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट है। बस इनका ऐसा ही टूर्नामेंट के अंदर लास्ट मैच गया था जिसके अंदर ये विकेटलेस गए थे और इन्होंने ना 2 ओवर के अंदर 33 रन पिटवा दिया था, क्योंकि सामने थोड़े से राइटी बैट्समैन ज़्यादा थे तो उनको अटैक करा था। अब यहाँ से देखो स्टार्टिंग ओवर, डैरेन ग्रिव्स डालेंगे, रियान विलियम्स 7 ओवर, डेथ ओवर में रियान विलियम्स, ल्यूक विल्सन, सेलरॉन विलियम्स और डैन ब्राउनी डालते हैं। ग्रीना डैन डाइवस की बात करते हैं तो ध्यान देना है, सैम ब्राउनी ने पहले मैच में 5 करा है, 53 करा, नॉट आउट, फिर 35 करा, फिर 20 करा, 27 बॉल के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट है, फिर कुछ नहीं करा, फिर कुछ नहीं करा, फिर कुछ नहीं करा। तो अपने डिस्कस करा था एक ऐसा प्लेयर है जो 10 में से एक या दो मैच में ना बॉल को बहुत अच्छे से टाइम करता है और बाकी मैचेस में से बॉल मिडल नहीं होती है, स्ट्रगल करता है, ऐसे बल्ला घुमाता है पिच के ऊपर। जो मैंने ऑब्जर्व करा आपसे वही कहूँगा, कादिर नैड 0, 28 रन, 33 रन, 13 रन, 0 रन, 0 रन, 17 रन, लास्ट मैच के अंदर अच्छी थोड़ी बहुत बैटिंग तो कर ली थी, लेकिन अपन देखते हैं ना कादिर नैड कैसा प्लेयर है। तो भी इसकी थोड़ी सी रेपुटेशन ज़्यादा है, टेक्निक अच्छी है। असीफ ओपर आएंगे यहाँ से, ये इस टीम के यार मास्टरपीस बैट्समैन है, अगर ये चलते हैं तो टीम जीतती है, ये नहीं चलते हैं तो टीम हमेशा हारती है। एक विकेट 7 रन, 1 विकेट है, फिर 5 रन 0 विकेट है, फिर 0 विकेट है, फिर 24 रन 0 विकेट है और थर्ड लास्ट मैच के अंदर इसने 52 की नॉक खेली थी, 1 विकेट निकाला। सेकंड लास्ट मैच के अंदर 34 की नॉक थी, 0 विकेट निकाला। लास्ट मैच के अंदर 18 की नॉक और 1 विकेट था। केविन इब्राहिम आएंगे यहाँ से, तो आप देखो 1 विकेट, 0 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, और ये इन्होंने बनाया था इसी टीम के अगेंस्ट में, 42 की नॉक आई थी, फिर यहाँ से 10 रन की नॉक आई और लास्ट मैच के अंदर 24 करा था। तो ये मतलब एक तरीके से प्रॉपर बैट्समैन है, टेक्निक बहुत अच्छी है, बॉलिंग के अंदर पता नहीं एक ओवर क्यों करा रहे हैं। एक इतना अच्छा बॉलर हो क्या यार, इसे 2 ओवर कराना चाहिए। आप डेविन बर्नम से ओवर करा ले रहे हो जो एक ओवर के अंदर 19 रन खा रहा है, आप दोस्तों पे ओवर करा ले रहे हो किससे, कंसर्न डलजेल से, वो तो थोड़ा बेटर बॉलर है। रिची जेड से जो 2 ओवर के अंदर 18 रन खा जा रहा है, ये थोड़ा बेटर बॉलर है केविन इब्राहिम, चांस देना चाहिए। लास्ट मैच के अंदर भी आपसे वही कहा था कि इसने एक ओवर में 7 रन दिया था तो भी इस भाई साहब से बॉलिंग नहीं कराई दूसरी ओवर, समझ के बाहर थोड़ा सा। ये अच्छा बॉलर है, सामने लेफ्टी बैट्समैन रहेंगे तो पक्का बॉलिंग कराएगा, इस मैच के अंदर 2 ओवर होना तो ये चाहिए लॉजिकली, है ना। टलरन हैरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिची रिचर्ड्स का देखो 1 विकेट है, 0 विकेट है, मैं कह सकता हूँ इस मैच में शायद एक ओवर तो शायद पक्का ही डालेंगे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने लेफ्टी बैट्समैन ज़्यादा रहेंगे और लास्ट मैच के अंदर 12 रन भी स्कोर करा था, 1 विकेट भी निकाला था, 2 ओवर में 18 रन दिया था। डेविन बर्नम 1 विकेट, 2 विकेट, 0, 0, 1, 0, 0 विकेट है और लास्ट दो मैचेस में देखो 1 ओवर में 16 खाया, 1 ओवर में 19 खाया। रजानी ब्राउनी यार रेपुटेशन लेके आते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों बहुत पिटाई हो जाती है इनकी। ये देखो थर्ड लास्ट मैच में 10 रन दिया, 1 विकेट निकाला, फोर्थ लास्ट मैच के अंदर तो 2 ओवर में 40 खा गया,
सेकेंड लास्ट मैच में एक ओवर में 15 मतलब एक विकेट निकाला, दो ओवर में 15 रन देके, तो ठीक ठाक बॉलर है। ब्रैक्सी ब्राउन ही आएंगे यहाँ से, तो इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, एक विकेट है, जीरो विकेट है, एक विकेट है, एक विकेट है, जीरो विकेट है। कंसल्ट डलजेल 0-0, 1-1, 0-0, 0 स्विंग के लिए पॉपुलर है और इनकी टाइट लाइन लेंथ है। स्टार्टिंग में डालेंगे 84 पर केविन इब्राहिम, ब्रैक्सी ब्राउन ही। डेथ ओवर में आएंगे यहाँ से रजानी ब्राउन, कंसल्ट डलजेल और यहाँ से ब्रैक्सी ब्राउन, डेवियम पर्नम। तो चार बॉलर्स डेथ ओवर में आते हैं। ये T10 के स्टैट्स है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्टैट्स में समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर T10 के अंदर ना शेमन हॉपर ने 18 मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले। 20 की एवरेज है, 284 रन है, हाईएस्ट 52 है, छक्के 11 मारे, 8 विकेट है, 27 ओवर बॉलिंग कराई है और ओवर कराते हुए उसने 246 रन दिए 27 ओवर के अंदर और 16 पारी में बॉलिंग कराई है। तो इसी तरह आप हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे बारीकी से हर प्लेयर के स्टैट्स लिखे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो ग्रीनर एंड डाइवर्स की तरफ से सिर्फ ऊपर कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कॉमन कैप्टन शेमन हॉपर, असीफ ऊपर आपको दिखेंगे। बड़ी लीग्स में उसको बनाना है, शेमन हॉपर, असीफ ऊपर, डैरन गिव्स, रोमिनो फ्यूरे। अब थोड़ा सा लग जाना है, डैन ब्राउनली बहुत ही ज़्यादा रिस्की पिक है, केविन इब्राहिम थोड़े से क्वालिटी पिक हो सकते हैं इस मैच के अंदर, देखते हैं। और कॉमन कैप्टन तो बता दिया, शेमन हॉपर, असीफ ऊपर। वीडियो पसंद है उसको लाइक करना है, या फिर आप डिसलाइक कर सकते हो, बात करेंगे टीम्स की। तो भाई यहाँ पर मेरे कैप्टन है शेमन हुपर वर्स कैप्टन दोस्तों यहाँ पे असीफ हुपर, मतलब हुपर फैमिली को यहाँ पे कैप्टन असिस्टेंट बना रखा है मैंने। कादिर नेड यहाँ से रोमिनो फ्यूरे होंगे, यहाँ से आपको शेम ब्राउन ही दिखेंगे। फिर आएंगे यहाँ से लिंडन जेम्स, यहाँ से डैरन गिव्स होंगे, ल्यूक विल्सन, रियल विलियम्स, रॉन विलियम्स, इनको मैंने ले रखा है यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा उड़स कर आते हैं, ठीक है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, मेरे हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूरी कहानी खत्म है। फिर आएंगे यहाँ से रोमिनो फ्यूरे, ये इंपॉर्टेंट थोड़े से। कादिर नेड एक डिफॉल्ट पिक है, शेम ब्राउन ही होंगे। इस मैच के अंदर आप यहाँ पे रिची रिचर्ड्स को थोड़ी बहुत टीम में ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ शेम ब्राउन ही, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आएंगे यहाँ से सिर्फ ऊपर, ये थोड़े से महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। केविन इब्राहिम टीम दोस्तों वही कहूँगा इसका रोल जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, इससे कभी एक और बॉलिंग करा लेती है, कभी दोस्तों उसको थोड़ा नीचे बैटिंग में भेज देती है, तो थोड़े से ऐसे ही प्लेयर है। और डैन ब्राउनली के बाद उसका पोटेंशियल बहुत, आप खुद देख सकते हो उसने क्या करा था टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के अंदर, 72, 52, 79 पॉइंट्स दिए। उसके बाद ये दो मैचेस में उसको चांस ही नहीं मिला ज़्यादा कुछ करने का। देखते हैं दोस्तों, कैचिंग बहुत अच्छी करते हैं, पहली बात आपसे वही कहूँगा, कैच हमेशा अच्छे पकड़ते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर रहते हैं हमेशा। फिर आएंगे यहाँ से बॉलिंग के अंदर रॉन विलियम्स इंपॉर्टेंट थोड़े, ल्यूक विल्सन इंपॉर्टेंट, असल रॉन विलियम्स थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रजानी ब्राउनी मैं तब लूँगा जब GRD पहले बॉलिंग कराती है, या फिर दोस्तों ब्रैक्सी ब्राउनी को भी मैं तभी लूँगा जब GRD पहले बॉलिंग कराती है, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मिलेगी दोस्तों आपको टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको सबसे नीचे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो देखते रहिए दोस्तों स्टैट्स, गुरु जी घर पर रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, वही कहूँगा। मिलते हैं अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।